राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की प्रारंभिक जिंदगी बेहद तंगहाली और मुफलिसी में गुजर रही थी। बड़े भाई के साथ पटना के चपरासी क्वार्टर में रहकर लालू ने मैट्रिक पास कर ली थी। उसी दौरान बिहार पुलिस में सिपाही बहाली के लिए विज्ञापन निकला हुआ था, तो लालू ने पेपर में सिपाही बहाली का विज्ञापन देखा और पहुंच गए सिवान। वहां तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर शिवचंद्र झा की निगरानी में ये सिपाही भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। रस्सी कूद शुरू होने ही वाली थी और युवकों की भीड़ भी लगी हुई थी। इसी बीच मुंह में पान दबा एक दुबला पतला युवक शिवचंद्र झा से पूछ डाला कि एएसपी साहेब, हाई जंप करवा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये रस्सी इतना ऊंचा कहाँ बनवा दी है जी? कूदने के चक्कर में अगर कहीं रस्सिया पैर में अझुड़ाया तो लोलोवे फट जाएगा। एक गोड़मिंड नौजवान सबका गोड़ हाथ टूटने फूटने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा का? इस पर तो शिवचंद्र झा चकरा गए और समझाने के लिए कहा कि देखो बेटा, सिपाही का काम कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना होता है। उसको दौड़ने, उछलने, कूदने, भागने, तड़पने में माहिर होना चाहिए। इस पर नौजवान लालू ने तत्काल जवाब दे दिया, ए हुजूर, है रखिए महाराज अपना नौकरी, हमरा से ही कूदल नहीं जाएगा। हमरा किस्मत में सिपाही नहीं राजा बनेंगे लिखल हवा। हम सिपाही नहीं राजा बनेंगे और ये लंबा रस्सी कूदने वाला नियम सबसे पहले खत्म करा देंगे। आईपीएस मुंह देखते रह गए और लालू ग्राउंड से बाहर निकल गए। शिवचंद्र झा ने लालू को रोका और पूछा कि क्या नाम है जी तुम्हारा? लालू ने तत्काल जवाब दिया, जी लालू प्रसाद, वेटनरी कॉलेज में रहते हैं और भैया आदेश पाल हैं। यही शिवचंद्र झा 2008 में बिहार के डीजीपी बने थे। उस दौरान लालू रेल मंत्री थे। शिवचंद्र झा अपने लोगों से ये कहानी बड़े चाव से सुनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।